हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फोटोशॉप में लाइनिंग कैसे यूज करें, टेक्स्ट लिखने का टाइम पे आप कैसे तरह का लाइनिंग यूज करें, उस बारे में आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि ऐसा ही न्यू कंटेंट के साथ मैं न्यू वीडियो डालता रहता हूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एग्जाम फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे तीन रख लिए, तीन कुछ फाइल साइज का क्रिएट करके यहाँ पे बैनर या फिर बोल सकते हैं थंबनेल बना के रखा है। सिंपल है, इसमें सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट का बारे में कुछ वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं थ्योरी कुछ बताने वाला नहीं हूँ, थ्योरी बताने से आप लोग को बोर लग जाएगा। इसमें क्या करना है आप लोग को, अगर यहाँ पे देख सकते हैं लाइनिंग्स का 3A, ये सिंपली यूज होता है मोस्टली। इसमें से आपको कौन सा डालना है, कहाँ पे लाइनिंग्स यूज करना है आपको पता होना चाहिए। तो मैं पहले लाइनिंग्स का बारे में तीन सिंपल लाइनिंग्स बता देता हूँ। फर्स्ट लाइनिंग है जो कि वो लेफ्ट से स्टार्ट होता है, और लेफ्ट से स्टार्ट होने के बाद और मोस्टली खत्म लेफ्ट में ही होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, अभी यहाँ पे लाइनिंग्स मतलब सिंपल टेक्स्ट लाइनिंग, यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से ही है, और इसमें देख सकते हैं कैसा, इसको बोलते हैं हम लोग राइट लाइनिंग। मैं सिंपली कुछ थ्योरी में नहीं जाने वाला हूँ, और देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को मैचिंग भी करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे जो जो कोई भी लाइनिंग्स नहीं रख सकते हैं। और मैं सेकेंड लाइनिंग बताने वाला हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे इसको बोलते हैं सेंटराइज लाइनिंग। मैं थ्योरी में नहीं जाने वाला हूँ, प्लीज थ्योरी को छोड़ दीजिए, थ्योरी को दिमाग से निकाल दीजिए, मैं सिंपल वे बता रहा हूँ। देख सकते हैं ये सेंटराइज है। तो सेंटराइज करने के लिए आपको क्या रहेगा, अगर आप मोस्टली फोर्थ सेम पैराग्राफ यूज कर रहे हो तो सेंटराइज यूज कर सकते हो। और थर्ड है जो कि मैं इसको अरेबिक स्टाइल भी बोलता हूँ, देख सकते हैं राइट से स्टार्ट होके राइट में ही एंड होता है, इसको मैं अरेबिक स्टाइल बोलता हूँ, जो कि मोस्टली अरब में यूज होता है, जो कि हम लोग यूज करते हैं मोस्टली। तो इसमें इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर आपको ये लाइनिंग यूज करना है तो मोस्टली आप थ्री टेक्स्ट में ही यूज करना है, क्योंकि बेटर लगता है। अगर आप अरेबिक लाइनिंग यूज कर रहे हैं तो राइट से ही स्टार्ट होता है। अगर आप अरेबिक लाइनिंग यूज कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रहना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड में नहीं रहा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है ऑलरेडी, तो इसलिए अच्छा दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाऊँ तो अंडू जैसा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं, अगर लाइनिंग मोस्टली आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि लाइनिंग यूज करने का टाइम पे आप अरेबिक को अवॉइड कर दीजिए। अगर थ्री टेक्स्ट में लिख रहे हो तो आपको वहाँ पसंद है तो, या फिर आपका बैनर या फिर थंबनेल में कैसा लगता है, कैसे कैसे आपका, तो मैं सिंपली यही बोलना चाहता हूँ, अरेबिक को अवॉइड कर दीजिए। और ये जो कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देख सकते, सेंटराइज मोस्टली यूज कर लीजिए। फोर फाइव पैराग्राफ तक, फोर फाइव पैराग्राफ यार टेक्स्ट लिख सकते हो, थ्री फोर तक टेक्स्ट लिखते हो तो इसमें आप डाल सकते हो सेंटराइज, तो इसमें बहुत अच्छा दिखेगा और बहुत फोकस भी जाता है। कहीं पे भी यूज कर सकते हो, या फिर टेक्स्ट को आप यहाँ पे भी लेके आ सकते हो, ऑब्जेक्ट का बैक साइड पे भी लेके आ सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे भी कहीं पे रख के भी आप लोगो भी रख सकते हो कुछ भी। और आपको सिर्फ अरेबिक को अवॉइड करना है यहाँ पे, और ये देख सकते हैं ये भी बहुत यूज होता है। अगर मैं मान लू कि इसको अनलॉक कर लेता हूँ और ये ऑब्जेक्ट को मैं, तो देख सकते हैं फोटो को मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसा लगता है टेक्स्ट कहाँ रखने से। हॉरिजॉन्टल फिल हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, और देख सकते हैं ये मोस्टली यहाँ पे टर्न हो गया है ठीक ऑपोजिट। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको लॉक कर देता हूँ सिंपली। यहाँ पे अभी हम लोग को अब फोकस देना है सिर्फ टेक्स्ट में, टेक्स्ट को कैसे यूज करना है इसमें। उसके बाद मैं यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करते हुए आप यहाँ पे ले सकते हैं, देन आप इसको ड्रैग कर लीजिए। अभी देख सकते हैं यहाँ पे कितना मोस्टली अट्रैक्टिव फूल दिख रहा है। अगर आपको यहाँ पे पिक्चर में कुछ इन्फॉर्मेटिक है तो, या इन्फोग्राफिक है तो आप देख सकते हैं स्मोकिंग कॉजेस कैंसर भी लिख सकते हैं, थ्री टेक्स रहता है, राइट से सॉरी लेफ्ट से ले सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। सिंपली ये वीडियो में मैं यही बताना चाहता था कि आपका अगर थंबनेल या फिर कुछ भी बैनर बनाते हो तो लाइनिंग के बारे में आपको पता चलना चाहिए, और कौन सा लाइनिंग कहाँ पे यूज करने से अट्रैक्टिव दिखता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।